पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद से राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश भर में योगी सरकार के खिलाफ समाजवादियों ने मोर्चा खोलते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुरादाबाद में सपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक कर अपना विरोध कर रहे थे। योगी का पुतला फूंकते देख पुलिस ने जलता हुआ पुतला छीनने की कोशिश की, जिसमें एक दरोगा के कपड़ों ने भी आग पकड़ ली। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही हर तरफ राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की राजधानी में रोड शो करके अपनी आमद कराते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया। वहीं आज सुबह प्रदेश की राजनीति में उस समय तेजी में हाल आ गया जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद जाते समय अमौसी हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। ये सब प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर हुआ। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोके जाने की खबर लगते ही सपाइयों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोल दिया और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। मुरादाबाद में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और योगी का पुतला जलाना शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए पुलिस जलता हुआ पुतला छीनने की कोशिश में लग गई और आपाधापी में एक दरोगा के कपड़ों ने आग पकड़ ली, जिसके बाद हंगामा मच गया। लेकिन गनीमत ये रही कि दरोगा के कपड़ों में लगी आग को समय रहते बुझा लिया गया। साई बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो आज अन्याय किया है, उसके लिए हम ही सभी सपाई इसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो कार्यक्रम में जा रहे थे, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया।